हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे इस न्यू यूट्यूब चैनल पे। आज आपके लिए मैं एक न्यू रेसिपी लाई हूँ। आज के वीडियो में मैं आपको आलू का पराठा बनाने को बताऊंगी। चलिए मैं आप लोगों के साथ आलू पराठा बनाने का रेसिपी शेयर करती हूँ। ये देखिए, मैंने यहाँ पर आलू उबाल लिया था एंड उसका छिलका निकाल लिया है। इसे अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया है और देखिए मैंने यहाँ पर 4 से 5 प्याज कट कर लिया है अच्छे से छोटे छोटे टुकड़ों में। अब यहाँ पर मैं ऑयल डाल रही हूँ, इसमें मैं मिर्चा का तड़का दे रही हूँ, तो मैंने ग्रीन मिर्च डाली है। अब इसके अंदर हम प्याज ऐड कर रहे हैं। प्याज को मैं थोड़ी देर से पकने दूंगी। इसके अंदर हम मसाला ऐड कर रहे हैं, मैंने गरम मसाला लिया है एंड मैं इसके अंदर थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर रहे हैं, हल्दी ऐड कर रही है। अब मैं इसमें आलू ऐड कर रही हूँ, इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर मैं नमक ऐड कर रही हूँ, नमक हम स्वाद के अनुसार ऐड करेंगे। इन सबको मैं मिक्स कर लूँगी। फाइनली देखिए मेरा ये रेडी हो गया है। अब चलिए इसे हम बनाते हैं। देखिए मैंने आटा पहले से गूंथ लिया था, इसका हम छोटे छोटे लोइया बनाएंगे। देखिए मैंने इतना सारा लोइया बना लिया है। इसे आटा लगा से हम थोड़ा बड़ा कर लेंगे। अब इसके अंदर हम आलू फिल करेंगे, आलू को मच्छे दबाते हुए फिल करेंगे जिससे आलू बाहर ना आए। देखिए मैंने सब फिल कर लिया आलू सब में। अब इसमें मैं आटा लगा के इसे बेलन की सहायता से बेलूँगी। इसे अच्छे से हम बेल लेंगे गोल शेप में। ये देखिए मैंने इतना सारा बना लिया है। यहाँ मैंने 3 रोटी बेल ली है। इसे मैं ताव पे सेकूँगी। देखिए मैंने इसे ताव पे रख दी हूँ, ये वन साइड गर्म हो गया। अब इसे मैं ऑयल लगाऊँगी। ये मैं चम्मच की सहायता से ऑयल लगा रही हूँ इस पर। ऐसे पलट के दूसरे साइड भी ऑयल लगा लेंगे चम्मच की सहायता से। ये देखिए मैंने इधर भी ऑयल लगा दिया। अब इसे मैं पलट पलट के अच्छे से पका लूँगी। ये देखिए हमारा लगभग पक चुका है। देखिए फाइनली मेरा पूरा पक गया है। अब मैं इसे निकाल लूँगी। देखिए मैंने निकाला। इसी प्रकार मैं सभी को पका लूँगी। मेरा सब बन गया है। अब मैंने पहले से चटनी पीस ली टमाटर एंड पुदीना का। देखिए मैंने इसे थाली में निकाल लिया है, इसमें चटनी के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे वीडियो को लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी।